हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीक्षा हियर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाऊंगी, और वो भी इस वेडिंग इनविटेशन कार्ड से। वेडिंग इनविटेशन कार्ड को आप ग्रीटिंग कार्ड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैं अपनी वीडियो में दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड है। इसमें स्टेप्स के पेपर हैं, ये पेपर्स आप देख सकते हैं। इन पेपर्स को मुझे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनके ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसका कुछ यूज़ नहीं कर सकते, तो आप इनको साइड में रख दीजिए। नाउ हम इसको लेंगे। आप देखिए, इसमें ऊपर कहीं भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, इसको हमें हाइड करना है। और ये है हमारा इसका कवर, ये हमें ग्रीटिंग कार्ड के लिए चाहिए और हमें ये बनाना है। तो आप सोचिए इसको हम कैसे बनाएंगे। अब आप वीडियो में कंटिन्यू करोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा गाइस कि ये कैसे बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डूइंग एनी डिले, हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी। मैं इसमें इसको यहाँ से हटाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे खोल दिया है। अभी यही स्टेप जो इस साइड से ऐसे हुआ था, हमें इस साइड से इसको रिपीट करना है। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से अपोजिट साइड में फोल्ड किया है, और इसका सेकंड फोल्ड भी मैं अपोजिट साइड का कर देती हूँ। ऐसे ही मैं रिपीट करूँगी इस साइड। ये देखिए, मैंने इस साइड ऐसे ये कर दिया है। अब ये हमारा हो गया है, और अब हम इसको यहाँ पर ऐसे एडजस्ट करेंगे, और ऐसे ही हमें इसको इसके कवर को भी फोल्ड करना है। ऐसे टाइट हैंड से आपको इसको, ये देखिए, ये बन गया कार्ड। अब इसमें किसी भी साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर ये गणेश जी हैं, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पेपर्स। अब देखिए, ये जो हमारे रह गए थे, अब हम इनकी कटिंग को वर्क करके इस चीज़ को हाइड करेंगे। ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे पेस्ट कर देती हूँ तो ये भी गाइस बहुत अच्छा आइडिया है। और अगर मुझे ये पेपर चाहिए और मुझे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। देखिए गाइस, तो भी हमारा वो हाइड हो रहा है। तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसको यूज़ करूँगी। ये देखिए, मैं बस इसको इतना यूज़ करूँगी। यहाँ पे देखिए, मैं गम अप्लाई कर रही हूँ। गम अप्लाई किया है मैंने, और अब मैं इसको इसके ऊपर यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी। ये हो गया है हमारा ऐसे। अब नाउ, अभी ये हमारा सेकंड स्टेप है कि हमें इस चीज़ को यहाँ पर हमें इसको पेस्ट करना है। तो मैं इसमें भी पूरे स्पेस में गम लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है ये पूरी। अब मैंने देखो ऐसे इसको फोल्ड करना है मेरे को, और आप लोग इसको इस टाइप से थोड़ा सा टाइट करके, टाइट हैंड से यूज़ कीजिएगा गाइस, और इसको यहाँ पर टाइट हैंड से आप फोर्स कीजिए। आप इसको इसमें रख कर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे इसको आप टाइट हैंड्स अच्छे से इसमें इसको फोर्स दे सकें, जिससे ये जल्दी पेस्ट होगा। ये देखिए, ये अभी हमारा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, तो आप इसको अभी वीडियो को कंटिन्यू देखना है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 5 मिनट्स का हम इसको रेस्ट देंगे। 5 मिनट का रेस्ट देने के बाद देखिए, अभी हमें इसको भी यहाँ से हाइड करना है। अब हम इसको हाइड कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसे हमने लास्ट में हाइड किया है, ऐसे ही हम इसको हाइड करेंगे। और इसमें हम एक पर्पस प्लेट काटेंगे कि हम किस पर्पस से दे रहे हैं, वो हम इस प्लेट पर राइट डाउन करेंगे। बच्चों को पटाए रखना भी ना। देखो, ये मैंने कट की है, अभी मुझे इसको थोड़ा सा और छोटी,
ये यहाँ पे देखिए, अभी हम इसको साइड से भी थोड़ा छोटा कर सकते हैं ऐसे ही। ये हो गई इसकी कटिंग। अब हम इसको यहाँ पर, अब ये हमारा ये जो निम है ये भी देखिए कैसे हाइड कर। अब देखिए, अब जो ये कार्ड हमारा है, अब इसको ओवरऑल देख सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ये चीज़ रियलाइज कराए कि ये शादी का कार्ड है। ये इसका कवर हो गया है, एनवलप इसका, और ये हो गया हमारा कार्ड। ये देखिए कार्ड हो गया रेडी। ये इसका एनवलप प्रॉपर। अब कहीं भी देखिए आपको कुछ ऐसा रियलाइज हो रहा है गाइस कि है इन